हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं बैकअप डाटा के बारे में, जैसे कि हम बैकअप डाटा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये वीवो का फ़ोन है जो कि वीवो T1 है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग पर जाना होगा फ्रेंड्स। तो सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा और आपको इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल कर देना है। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है सिस्टम, तो सिस्टम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिखा रहा है बैकअप डाटा, और भी सेटिंग्स है फ्रेंड, जैसे कि डेट और टाइम है और लैंग्वेज है और नेविगेशन बटन है। तो इनके बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो क्लिक करते हैं बैकअप डाटा पे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा और यहाँ पर आपको दिखा रहा है गूगल सर्वर, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा है बैकअप माई डाटा और बैकअप अकाउंट, तो बैकअप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ से आपको दिखा रहा है टर्न ऑन, तो यहाँ से इसको टर्न ऑन कर देंगे तो ये बैकअप हो जाएगा। मुझे बैकअप नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, वरना आप बैकअप नहीं करना चाहते तो नोट न्यू कर देंगे। मैं नहीं करना चाहता तो मैं नोट न्यू कर दूंगा। इसी प्रकार से आप इस पर आकर अपना जो है बैकअप ले सकते हैं। इस पर टर्न ऑन पर क्लिक कर देंगे तो ये बैकअप हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।